एक बारी जुड़ने के साथ सभी भाई शेयर करें ताकि सब तक पहुंच सके, क्योंकि सब तक वीडियो नहीं पहुंच पाती जब तक आप लोग शेयर नहीं करते और सबको पता नहीं लगता क्या चल रहा है क्या नहीं। इसीलिए जुड़ने के साथ साथ सभी भाई शेयर करें ताकि सब तक पहुंच सके। बहुत काम की बात है, 21 तारीख की बात है ये जो अभी 21 तारीख आ गई, यानी कि इसी एतवार की बात है भाई। एक बारी सारे भाई जुड़ो, जल्दी जुड़ कर फिर काम की बात कराए। बस सारे ग्रुपा में शेयर करो वीडियो ने साथ के साथ ताकि सब ने पता लग गए और अपनी जो काम की बात है वो सबके बीच में बतावा। भाई बहुत स्लो स्लो जुड़ रहे हो आज, मनीषाला गला यू गलत टाइम पाए हाँ, क्योंकि और दिना वक्त आ जाया करते। शाबाश भाई शाबाश, सारे भाई आ जाओ एक बारी। अब आ गई है भाई काम की बात। आप लोगों को बता दूं 21 तारीख को, ये जो 21 तारीख आ गई एतवार के दिन, दिल्ली में द्वारका भगत सिंह जी का प्रोग्राम है, जिस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आप और हम सब मिलकर बनाऊंगे। एक आदमी से कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता, उस दिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। प्रोग्राम का नाम है मैं बनूंगा भगत सिंह। सब अपनी पीली पगड़ी बांध कर वहां पर भगत सिंह बनेंगे, भगत सिंह के लिए जाएंगे। हर इंसान अपने घर से जरूर तभी जरूर आए, जो मन चाहन वाले हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे जितनी भी बहन है, मेरे जितने भी साथी हैं, वे जरूर आए। नाख ना कटवा दियो, क्योंकि सब यह बात कहने लग रहे हैं। युद्धविंदर संधू जी जो भगत सिंह जी के पोते हैं, उनका भी यह कहना है, उनका कहना है ये हर्ष भाई आपके साथ इतना भाईचारा है और आप प्रोग्राम में अभी तक लाइव भी नहीं आ लिए, आपने प्रोग्राम के बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं। मनो भाई साहब को बोला, भाई साहब माफी इस चीज के लिए, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, भगत सिंह मेरा हीरो था, भगत सिंह को मैं अपना गुरु अपना सब कुछ मानता हूं और उसके ऊपर लाइव आने का टाइम आज मिल गया है। आज मेरे हिसाब से 17 तारीख होगी, इस 21 तारीख को दिल्ली के अंदर मैं बनूंगा भगत सिंह का प्रोग्राम है, जिसमें वहां पर हरियाणवी कलाकार भी आऊंगे और अपने पहलवान भी आऊंगे, जैसे कि योगेश्वर भाई, गजेंद्र फोगाट भाई, बिंदर नोदा भाई, युद्धविंदर संधु जी और जितने भी भगत सिंह के चाहने वाले ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उड़ाऊंगे। मैं आप लोग का यह विनती करूं हूं, मेरे जो दिल तमन भाई मान जो नुकार भाई कदे को काम हो को बात हो याद कर लिए, वे सब भाई जरूर पहुंचे उड़े, क्योंकि उड़े हमने कोई भी काम नहीं करवाना किसी से, एक लोगों को एकत्रित होकर ये दिखाना है आज भी भगत सिंह हमारे दिलों में जिंदा है, आज भी भगत सिंह का कितना जुनून है। सरदार जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, युद्धविंदर संधू साहब को, क्योंकि भगत सिंह साल में 2 दिन याद कराया जाए अगर उसके बाद कोई याद ना करता। पहला दिन तो है अगर 23 मार्च जिस दिन फांसी टूटी, दूसरा दिन हो आगरा 28 सितंबर जिस दिन जन्म होया, उस दिन याद करा, उस तो अगले दिन कोई याद नहीं करता। हमारे लिए कितने दुख की बात है, जो इंसान जो इतनी कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए, आज तक वे अपने माथे पर कलंक लेकर फिर रहे हैं, आज तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसका कारण आप सभी लोगों को पता होगा, आज तक बत्सिंगर का जितना भी ग्रुप था, जितने भी साथी थे, उन मस्ताना की जो टोली थी, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है, ये प्रोग्राम भगत सिंह को आजादी दिलवाने की, भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाने की पहली नींव है। उस दिन कितनी पब्लिक आती है, कितनी भीड़ आती है, कितने भगत सिंह के चाहने वाले, ये पता लग जाएगा। वह फोटो लाए आंडे हैं या भाई साचे में भी कोई चावे है। मैं भी अपने 100, 200, 300 भाइया के साथ तुड़ पहुंचूंगा। मैं आप सबको इनविटेशन देता हूं, आप सबको ये बात बोलता हूं, मेरे जितने भी भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाना जरूरी है। ये किसी की रैली नहीं है, ना वहां पैसे देकर बुलाए और आदमी होंगे, वहां आप और हम भगत सिंह के चाहने वाले, भगत सिंह को प्यार करने वाले होंगे। अगर आप लोग नहीं आते हो तो इसका मतलब
हमारे दिलों में जिन्होंने आजादी दिलाई उनके प्रति 1% भी मान सम्मान नहीं है, हम सिर्फ मतलब ही हो गए हैं। एक बारी सारे के सारे भाई जितने जुड़ रहे हैं वीडियो को सभी ग्रुपों में अभी शेयर कर दो। शेयर करने का तरीका मैं आपको बता दूं, शेयर का आप ऑप्शन दाब यारो, शेयर का ऑप्शन दाब गए, आप तीन ऑप्शन आ गए, तीन नाम जो आपके सोड़े हाथ का ऑप्शन आओगा ना शेयर टू ग्रुप, उस पर जाकर सारे ग्रुपा में शेयर करा रहा, ऊपर ते नीचे थी आप शेयर कर दो होके लोगा दौर भेज दो मैसेंजर पर, उस तक आप ब्लॉक भी हो जाओ हो, उस तक आगे शेयरिंग भी हो पाती, एक आदमी दौर भेज पाओ हो, और सोड़े आता आप शेयर करोगे तो सब ग्रुपा में चली जा हुआ वीडियो, और ये कोई अच्छा ही फैलाने के लिए है, कोई बुराई फैलाने के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से जुड़ता हूं ना वह बात बताने के लिए जुड़ता हूं जो रियलिटी और जेन्युइनिटी हो। ये आप मानते होगे भगत सिंह के बारे में हम अच्छाई से मिल गए थे फैलास कहां, मोहित जांगड़ा भाई ने लिखा है कि भाई जंगा बता दे कहां है, दिल्ली अपनी जो भारत की राजधानी है दिल्ली के अंदर द्वारका, द्वारका में भगत सिंह का प्रोग्राम होगा। ये चीज आप कहीं भी सर्च कर लियो या किसी से पूछ लियो, क्योंकि प्रॉपर जो एड्रेस है पूरा एड्रेस है वो तो मेरे को भी नहीं पता भाई, किस घेर में होगा, किसी प्लॉट में होगा, किसी रोड पर होगा, कित होगा, पब्लिक अपने आप बता देगी कित होगा। भीड़ इतनी ज्यादा होगी उस दिन, पूरी पुलिस प्रशासन की दिल्ली की ड्यूटी लगा रखी है। एक मेरी सब भाइयात एक विनती है, हम अपने सरदार जी की इज्जत और मान सम्मान के लिए इकट्ठे हुआ हाँ, कोई भी भाई ए भद्दर काम ना करे। ए भद्दर काम का मतलब वो है रोड पर छात पर बैठ का गए ले लो ले लो, इस चीज तुम्हारे सरदार जी की बेइज्जती हो ना कि इज्जत बनती, और हमने सरदार जी की इज्जत बनानी है। आप लोग भूल रहे हो, अगर हम आजादी की सांस ले रहे हैं, हम ये वीडियो यूज कर रहे हैं, हम किसी तक गाल दे सके हैं, किसी भी चीज पर आवाज उठा सके हैं, यो सारा का सारा हक हमारे शहीद के कारण है। जिस टाइम देश गुलाम था उससे पहले ये सब नहीं था, अंग्रेजा की टोली आया करती और अड्डा गिर गिर हमारे पाछन तोड़े आ रती। आसूडागर भाई ने लिखा है एड्रेस, आसूडागर भाई वही है मेरा भाई है, एक साथ जाएंगे हम। आसूडागर भाई का मैसेज पढ़ो, नियर द्वारका मेट्रो स्टेशन, हाँ नियर द्वारका मेट्रो स्टेशन, मतलब द्वारका मेट्रो स्टेशन के नजदीक साहब सिंह वर्मा स्टेडियम में प्रोग्राम। भाई सभी भाइयों को पता लग गया होगा, एक बार दोबारा फिर बता दूं, आप जब भी वीडियो शेयर करो आप ऊपर एड्रेस लिख दियो सारे अपने उसमें कैप्चर में, आग भाई भगत सिंह का प्रोग्राम द्वारका में साहब सिंह वर्मा मेट्रो स्टेशन के पास है, ताकि सब न पता लग जाए, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं आप सब अनपढ़ नहीं हो, मन ने इतना ज्ञान को ना, इसका मतलब यो को ना कि आप सब ने भी नहीं। मैं तो सच बताऊं मैं तो एक रियलिटी का मूर्ख हूं, मन ने तो मेरा भाईचारा रहा है, ये कैप्चर बना के भी मेरा भाईचारा देगा, जो मैं कहूंगा वे लिख के देंगे, हिंदी तो लिखनी आवे इंग्लिश में कुछ आता भी नहीं। रही बात भाई गणे भाई नु कह दे बत्ती रो रहा बत्ती हवाले रहा रिप्लाई ना करता न्यू ना करता, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, आप जमीन तो जुड़े उड़ आदमी हाँ, सबका रिप्लाई न्यू नहीं देने पाते, 50,000 के करीब नंबर हो गए व्हाट्सएप पे, लेट हो जाए रिप्लाई हो यार जरूर। गोपीराम मेरे भाई एक आधी जंग आती सी छोड़ दे जी, तो ये पार्टियां के जिक्र ना करो बिला, साथ में बीजेपी का भी समर्थन कर देना, क्यों कर देंगे भाई हम कर देंगे समर्थन, बोल दो उनने शहीद घोषित कर देंगे भगत सिंह ने, खुल का समर्थन करांगे हाथ जोड़कर सबके पैर पकड़ कर मारते जितना होगा, झंडे ठाए आंडा शहीद का दर्जा दिलवा दो भाई। और कौन कौन भाई आ रहा है एक बार ये बात मन जरूर भाव, जो भाई आ रहा है कितने बड़का ने लेकर होगा मेरे तब जरूर मिलियो भाई, मन ने भी पता लग गया मेरे कारण मेरे में कितना दम है, मेरा कितना भाईचारा जुड़ गया, मेरे कारण कितना भाईचारा मेरे कहन पाड़ आया है, सिर्फ इसलिए और किसी चीज के लिए नहीं। कदे न्यू को भाई हम जान के ना बोले, कई भाई मैसेज करा रहा कई आ भाई साहब आप दोहरे का कहे जान गए ना बोले कदे बात ना करे, पहली बात तो भाई मैं भाई हूं भाई साहब नहीं हूं साहब ना हटा दो, दूसरी बात आप लाने की कोई जरूरत नहीं, तू तड़ाक में जो मजा है वह रियलिटी की इज्जत हो है, ढोंगी की इज्जत हमने चाहती नहीं, ये बात मैं सब तक कहा करूं उस तो। दूसरी बात रही मिलने वाली, आप तो घने जमीन पर जुड़े उड़े इंसान है भाई, 100-200 रुपया की 300 रुपया की टी शर्ट लोअर पहरे पा अगर कति जूते थोड़े ढंग के पैर लिया रहे कभी, क्योंकि जूतिया का शौक सा मड़ा, क्योंकि सपोर्ट्स कर रहे स्पोर्ट्समैन ने ये चीज होया करें, तो मैं भाई थारे ते भी गणा उसा हूं, ये बात अपने दिमाग में काट दियो, मेरे सभी भाई जरूर मिलना है। और मैं सभी भाइयों से एक विनती करता हूं, नैया तो भाई बेइज्जती हो जाएगी शर्टनकारा हो जाएगा। युद्धविंदर संधु भाई साहब भी नुकाएंगे भाई, नाम नाम की पब्लिक जोड़ रहा छकारा कुछ कोने।
और मन युद्धविंदर संधु साहब भी एक बात कही थी, मैं पब्लिक नहीं जोड़ रहा, मैं भाईचारा इकट्ठा कर रहा हूँ जी। तो भाईचारे का कब पता लगेगा आप लोग वहां आकर मेरी इज्जत और मेरी शान बढ़ाओगे? मेरी शान बढ़ानी जरूरी नहीं है, शान बढ़ानी है सिर्फ भगत सिंह की, सरदार जिया की। वहां पर जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बन गया, इतने आदमी हम इकट्ठे हो गए। जीत सिंह बुरा भाई, तू तो लाडला भाई है, दिल का तेरते कहने की बात है भाई ने 50 शेयर कर दिए, ये बात कह है आप तेरे ते बोलने की जरूरत थोड़ी भाई, आप का की ताई आड़े हैं। बाकी भाई आगे थोड़ा बारी समझ में आवे है, एक ही बार इन लिखन ला गया था बोले बीजेपी की भी गल प्रचार करियो भाई, पसीना अनिल शर्मा गर्मी बत्ती है शरीर में कद देते है, चीना बीपी आई है, दो चीज हो जा रहा है, छो ज्यादा उठा है, क्योंकि भाई सुनो गलत ना तो करते ना सुनो की आदत। मैं सभी भाइयों से विनती करता हूं ये वीडियो ना आप कितना शेयर कर सको, हो सको आप नहीं जा सकते, आपके घर परिवार पड़ोस में और कोई जाना चाहता हो तो सभी भाइयों से यही बात कहता हूं मैं, कम से कम इसने शेयर करके वे भाई जाके हैं तनुज डागर मेरे छोटे भाई ने 120 शेयर कर दी, ये बात कहने लगे गोरो तना पीटूंगा, एक तो तू छोटा भाई, दूसरा तू बताता भी नहीं मेरे तो ये भी बात है, उड़े में लांगे प्रोग्राम में ठीक है, अरे कदे बना में ले लेकर जाकेंगे इनका, पहले बता दिए या बात जरूर मिलना। जय वाल्मीकि भाई, जय हो मेरे भाई। मैं आप सभी भाइयों से एक आग्रह एक विनती करता हूं, पूरी बात दोबारा बता दूं, जो भाई लास्ट में जुड़े हैं इस वीडियो को कम से भी कम 100-100 ग्रुपा में अभी के अभी तुरंत शेयर कर दो। लाइव चलते चलते भगत सिंह जी का सरदार जी का प्रोग्राम है 21 अक्टूबर का दिल्ली में द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास, वो स्टेडियम का नाम मैं भूल गया, स्टेडियम का नाम एक बकोसा भाई का याद हो दोबारा, साहब सिंह वर्मा स्टेडियम। आप सभी भाइयों से विनती है अपने भाईचारे के साथ जरूर आइयो, 20-20, 30-30 जिसका जितना बड़ा भाईचारा उतना बड़ा भाईचारा लेकर आइयो, किसी का छोटा भाईचारा छोटा भाईचारा लेकर जाइयो, किसी की गैल को आकर राजी नहीं है तो एकला आदमी जरूर आइयो, सबसे ज्यादा इज्जत उस इंसान की होती जो इतने दूर तक अकेला हुआ है। और सभी भाई मिलकर जरूर जाइयो, सभी भाइया ने जरूर मिलना ताकि हमने बेरा लागे यो भाईचारा की तारा था, और कित कित मारता भाईचारा जुड़ रहा है, हम सब उस सरदार जी की उन भगत सिंह जिया की आज उनकी आजादी पर रोटी खाने वाले हैं और उनकी शहादत को हम भूलते जा रहे हैं। जब छोटे बच्चे को जेब से नोट निकाल कर देते हैं ना, बच्चा उस नोट को देख कर ये बता देता है महात्मा गांधी है नोट के ऊपर जो छपा हुआ है। भगत सिंह के बारे में पूछते हैं ना, टी शर्ट पे भगत सिंह छप रहा था, मैंने छोटे बच्चे से पूछ लिया कौन है, बोले तो कोई सरदार लग रहा है, मतलब बच्चों को यह भी पता नहीं ये सरदार कौन है। आगे आने वाले टाइम में आज से 50 साल बाद हम ये भूल जाएंगे भगत सिंह कौन था, जो हमारे लिए जान देंगे, जो हमारे लिए इतना सब कुछ करके, जो हमारे को आजादी दिलवा गए, वो भी ऐसे आप लोगों को नहीं पता। दोबारा बता दूं, एक आगरा के इलाहाबाद के अंदर एक SP आया था अंग्रेजों का, उसने अपनी डायरी लिखी हुई है अंग्रेजों के SP ने, जो उस टाइम पे राज होता था, पता क्या लिख रखा है, हर रोज मैं एक भारतीय लड़की का जब तक रेप नहीं कर लूं था मेरे जिस्म को मजा नहीं आओ था। ये गुलामी होती थी, मारे बाप दादा भाई उसने बैठ के देखा करते, और वे मारी बाण ने पब्लिक के बीच में गेर कर नोचा करते, और आप लोगों को नहीं पता हो ना ऐसे नहीं नोचा करते कि रेप कर दिया सीधा, रेप करने की कितनी क्रूरता थी ध्यान तो सुनियो यह बात, रेप करते टाइम कैंची से ये जो दूध माँ का दूध पीते ना हम, जिसके आगे निप्पल होता है जिसको निप्पल बोलते हैं, उस निप्पल को कैंची से काटते थे, वहां से खून निकलता था, और वो जो खून निकलता था ना उस चीजों को देखकर वे सभी अंग्रेज हंसते थे, उनके लिए ये मजाक होता था, उनको हमारी बहन बेटी तड़पाने में खून खून खराबा करने में लहू लुहान करने में मजा आया करता, वो टाइम था। और एक गांव में SP आज आ गया, कल उसके किसी की बहन बेटी पसंद आएगी, अगले आगे न्योता दे जा था कल तेरे घर में आऊंगा, वह बहन बेटी शर्म के मारे पहले फांसी खा ली थी, उसके घर परिवार के पहले ही अंग्रेज जाके डर था छुप जाया करते, नुआ करते गोरे आगे गोरे, आज मारी बाण बेटी का नंबर है, उस परिवार के वे 24 घंटे क्यों कर भी त्याग करते, आप लोग सोची सोचने की बात है ये, मतलब इस साल में मारता आजादी दवाई, और आज के टाइम हम
उनके लिए कुछ भी नहीं करते, उनकी शहादत को ऐसे ही भूलते जा रहे हैं। सोच के देखो हमारी बहन बेटियों का यह हाल होता था, और फिर भी कम से कम उनको याद कर लो, हमारे लिए वे ही भगवान हैं। राम लक्ष्मण रावण फलाना धकड़ा किसने देखे थे, उस युग में कौन जीवा था, ये लगा लो मनगढ़ंत कहानी है या ये लगा लो सच है, कन्फर्म तो नहीं है। ये तो कन्फर्म है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस तो हमारे दादार ने भी देखा उड़ा है। तो आप लोग सोच सकते हो, सोचने की बात है, उन आदमियों ने भूल गए जिन देश आजाद, जिन आजादी कराई, मरते जीण का ढंग दिखाया, जिनका राह दिखाया। मेरे से 1300 आदमी इस टाइम पर लाइव देखने लग रहे हैं। अगर लाइव आप 1300 आदमी 50-50 शेयर करो इस टाइम पे, ये वीडियो और भगत सिंह की ये यादें, ये बातें सब आदमियां अपने आप फैल जाए, अपने आप शेयर हो जाती। इस समय आप लोगों को अपनी स्टोरी नहीं पता, अगर मैं अपने आप ने प्रमोट कर रहा हूं इस वीडियो ने शेयर करो। इस वीडियो में मैं उस महानात्मा की बात कर रहा हूं जिन्हें हम भूलते जान लग रहे हैं। और सभी भाई जरूर रोचियो, उड़ा मैं सारे भैया का इंतजार करूंगा, सारे भैया से मिल लूंगा, बहुत बहुत जरूरी पहुंचना है, या बात अपने कान्ना मगा लियो भाई। नहीं पहुंचे तो सच्चाई बात है, खाम का भगत सिंह नारे लो दे, भगत सिंह नहीं है किसी का, इन्हें कड़वी सच्चाई मानो या हकीकत मानो, बाकी आप लोगों की मर्जी। ज्यादा थूक बलोए तो ज्यादा कुछ कहे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि समझने वाले जो भाईचारा है, सोमग 99 आदमी है, वे एक बहते समझा है, जो 1% आदमी हैं उन्हें तो आंगलीकरण की आदत हो है, वे अपने घर में आंगली कर रन के मानेंगे, उनका तो काम यो है, आड़े भी दो गाड़ लिखी उप बिल्या गाड़ दे के फलाने के, तेरी माना उसकी है तू बिना उसका भाई। आप लोग का नंबर मजा आवे है, जो 1-2% आदमी इन चीजा में थोड़ा सोचो, एक आदमी थोड़े ढंगी भाषा भी यूज करा करो, अपने घर में अपनी माँ बाप ने कह के देखा करो यही लैंग्वेज, समझे। धन्यवाद आप लोग का ना भाई, ऐसी इस मारे चालू नहीं करे अंदर अंदर पुणी, आप लोग का साफ आवाज नहीं सुन पावे, गाड़ी साइड में लगा के जब लाइव आना पड़े। साची बताऊं तो भाई 24 घंटे मगर 20 घंटे 18 घंटे ही गाड़ी में बीत जाए, 5-4 घंटे सुन का टाइम मिल रहा है। आप लोग का ना सब जोड़ विनती है, 21 तारीख ने मिल लांगे सारे के सारे भाई आइयो। राम जय हिंद। और एक ना एक सारी कॉमेंट एक बार, अपने शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, ये बात सारे भाई जरूर बोलियो, क्योंकि वे लोग हमने दोबारा जीवित करने हैं, करने हैं तो करने हैं, कोई राजनीति को पॉलिटिशियन नहीं करेगा, आप और हम मिलकर कर सकते हैं इन्हें दोबारा जीवित। आज जोड़ के विनती भाई जरूर पहुंचियो।